कुछ ऐसे लाइफ लेसन जो 18 से 24 की उम्र में आपको पता होने चाहिए। 20-21 साल की उम्र ऐसी है जब हम में से काफी लोग ग्रेजुएट होने वाले होते हैं। अपने पुराने कॉलेज की कुछ खट्टी मीठी यादें हमारे साथ होती हैं और काफी खास फ्रेंड्स हमसे अलग हो जाते हैं। जब हम कॉलेज से निकलते हैं तब हमारे काफी सपने होते हैं, और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं भी किया तब भी इस एज में आके पेरेंट्स आपको लाइफ में सीरियस होने के लेक्चर देने लगते हैं, कोई काम धंधा ढूंढने को कहते हैं। लाइफ में काफी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए सब लग जाते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन में लग जाता है, कोई अपना बिजनेस ज्वाइन करता है, कोई जॉब के लिए ट्राई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। काफी लोग इस एज में आके बहुत सारी गलतियां करते हैं और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि लाइफ वैसी नहीं चलती जैसा कि हम सोचते हैं। लाइफ में काफी लोगों से डील करना पड़ता है, काफी चीजें हमारे प्लान से बिल्कुल उल्टा हो जाती हैं, काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं और काफी लोग अपनी 30s की उम्र में कुछ बातों को रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि कुछ बातें काश हमें पहले से पता होती। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। नंबर 1, बैड हैबिट्स कैन डिस्ट्रॉय यू एंड द पीपल अराउंड यू। हो सकता है कि कॉलेज में या फिर कहीं और से बुरी आदतें आपकी लाइफस्टाइल में आ गई हों। इन सभी बुरी आदतों से आप जितनी जल्दी छुटकारा पा सको उतना अच्छा है, क्योंकि बुरी आदतों को छोड़ना वक्त के साथ मुश्किल हो जाता है। कुछ बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, ड्रग और अल्कोहल आपकी पर्सनैलिटी, आपके पैसे और आपकी फैमिली लाइफ को आने वाले टाइम में बुरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ड्रग्स को छोड़ के बाकी चीजें आप महीने में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ अगर चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इनका हैबिचुअल हो जाना काफी घातक हो सकता है, क्योंकि यंग एज में हमारे पास एक तो पैसे काफी कम होते हैं और उन्हें भी नशे या फिर किसी अनप्रोडक्टिव आदत पे उड़ा दिया जाए तो हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अच्छी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अपने हर एक गोल को अचीव कर सकें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल सुबह से शाम तक की एक रूटीन से बनती है, और इन सब में आपकी हेल्प करने के लिए हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। नंबर 2, रीजनेबल गोल्स। लाइफ में हमेशा ऐसे गोल्स सेट करो जो कि रीजनेबल हो। हर किसी का एक अल्टीमेट गोल होता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे यूपीएससी क्लियर करना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस अल्टीमेट गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें जिन्हें कि आप डेली और मंथली बेसिस पे अचीव कर सकें। जैसे कि किसी भी एग्जाम के सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उसे डेली या वीकली बेसिस पे कंप्लीट भी करना। स्टूडेंट एज में हम सिलेबस को डिवाइड तो करते हैं लेकिन उन्हें डेली बेसिस पे टालते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कैसे किया जाए इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जब आप ये छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेंगे तो अल्टीमेट गोल अचीव करने के आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेसन नंबर 3, टेकिंग इट स्लो। 20 से 25 की एज में सभी सोचते हैं कि लाइफ जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी पैसे आ जाएं वगैरह वगैरह, और इन सब के चक्कर में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें वो आने वाले टाइम में रिग्रेट करते हैं। सबने बचपन में ही सुना है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप अपने गोल्स को लेकर इंपेशेंट हो जाते हो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो तो काफी चांसेस है कि आप जल्दी एग्जॉस्ट होकर गिव अप कर दो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, जब तक आप अपने ड्रीम को लेकर ऑनेस्ट हो और उसे अचीव करने के लिए लगातार काम कर रहे हो, सोसाइटी या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 4, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस एवरीवन। आजकल की जनरेशन सोसाइटी के अप्रूवल पे काफी डिपेंड होने लगी है। अपनी पिक्चर्स को एडिट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना कि लोग उन्हें लाइक करें और भी इसी तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं। इससे पता चलता है कि आजकल का यूथ खुद को ऐसे चेंज और प्रेजेंट करना चाहता है जिससे कि सोसाइटी उन्हें लाइक करे। इससे न केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है बल्कि लोग काफी स्ट्रेस में भी रहते हैं। इसलिए अपना टाइम और एनर्जी अपने गोल को अचीव करने में लगाओ, खुद को एक बेटर इंसान बनाने में लगाओ, ना कि सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए। याद रखो कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। लेसन नंबर 5, सेइंग नो इज नॉट अ बिग डील। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना करना नहीं आता या फिर वो किसी को ना नहीं करते ताकि उनसे कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई उनसे कुछ भी करने को कहता है तो वो चुपचाप उस काम को कर देते हैं, और ऐसा करने के चक्कर में उनके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता और वो काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा करने पर भी जरूरी नहीं है कि हर कोई उनसे खुश हो। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान जो आपसे फेवर मांग रहा है उसे बस फेवर मांगने के टाइम ही आपकी याद आती है, वो सेल्फिश है, तो ऐसे लोगों को साफ ना कह देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में लोग आपकी काबिलियत का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। फालतू की चीजों को ना बोल के ही आप उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, सेविंग मनी इज इम्पोर्टेंट। अगर लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस कोई दे सकता है तो वो है कि पैसा बचाओ। एवरी रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न्ड। 18 से 24 की एज में काफी शौक होते हैं, महंगे कपड़े, महंगे शूज, बड़े बड़े ब्रांड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब इस एज में इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसी चीज मत खरीदो जिसे कि आप कुछ महीनों बाद सस्ते में ले सकते हो, और अपने बचे हुए पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितनी छोटी एज में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे 40 से 45 की एज में आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी ड्रीम कार या फिर किसी और ड्रीम को फुलफिल करने के लिए या फिर पैसों का इस्तेमाल आप अपनी इमरजेंसी में भी कर सकते हो।
नंबर 7, वी नीड टू ट्रेवल। अगर आप उन लोगों में से हो जिसके हाथों में पैसा रुकता ही नहीं है, तो आप अपने पैसों को किसी मटेरियलिस्टिक चीज पे खर्च मत करो। मतलब कि किसी भी ऐसी चीज पे खर्च मत करो जिसकी वैल्यू कल कम हो जाए। जैसे कि आज कोई ब्रांडेड शू ले लेना जो कि नेक्स्ट मंथ की सेल में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल सकता है। इसकी जगह अपने एक्सपीरियंसेस पे खर्च करो, ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप न्यू लोगों से मिलोगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, और साथ ही साथ उम्र भर के लिए आपके पास मेमोरीज बन जाएंगी जिनकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। नंबर 8, कीपिंग गुड कंपनी। आपकी जैसी संगति होगी आप वैसे ही बनोगे। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तो काफी चांसेस हैं कि आप उनके लेवल पे गिर जाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करें जो कि उस गोल को अचीव कर चुके हैं जिसे कि आप अचीव करना चाहते हैं। आप चाहें तो रूल 33 फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अपना 33% टाइम अपने से बेटर लोगों के साथ बिताएं ताकि आप उन लोगों से कुछ नया सीख सकें। अपना 33% टाइम अपने जैसे लोगों के साथ बिताएं ताकि आप अपने उनसे दूर ना हो, और अपना 33% टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो कि आपसे कुछ सीखना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आप कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें। लेसन नंबर 9, प्लान एंड एग्जीक्यूट योर आइडियाज। 20s की एज में आपको वो करना चाहिए जो कि आप करना चाहते हो, क्योंकि कोई बड़ा आइडिया एग्जीक्यूट करते करते अगर आप फेल भी होते हो तो भी इस एज में आपके पास काफी टाइम है अपने फेलियर से सीख के अपने मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। 30-35 की एज में लोग फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनपे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन 20s की एज में आप रिस्क ले सकते हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाइफ लेसन जो कि आपको अपने 20s की एज में पता होने चाहिए। नीचे कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।